कतार में मोहम्मद फैसल और आप देख रहे नेशनल दस्तक। बीजेपी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हम आपको लगातार बार बार बता रहे हैं। जिस तरीके से कल राजस्थान के किरोली में मुस्लिम बस्ती में जाकर बीजेपी और आरएसएस, जिस तरीके से राजस्थान के करौली में बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया और तोड़फोड़ की और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही हाल जो था, यही मॉडल दिल्ली दंगे में देखने को मिला, यही मॉडल कर्नाटक में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी की सरकार थी के दंगाई जो है पत्थरबाजी कर रहे थे, घरों को जला रहे थे और सामने से पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई देख रही थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां की पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इनके बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं जो हिंदुत्ववादी सोच है हमें उससे लड़ना है, हमें देश को उससे बचाना है। लेकिन जब बात उनकी सरकार की आती है या उनके राज्य वाली सरकार पर आती है तो वो ये सब भूल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू में क्या फर्क है, लेकिन जब उनके राज्य पे या उनके ऊपर बात आती है तो वो भूल जाते हैं। अगर वाकई में वो इन चीजों से लड़ने की बात करते हैं, भारत को बचाने की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि जितने भी लोग वहां पर हुड़दंग मचाने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी डर है कि जो हिंदू वोट है वो उनसे दूर जाएगा। एक तरफ उनको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन दूसरी तरफ उनको हिंदू वोट भी चाहिए। जो पॉलिसी बीजेपी अपनाती है वही पॉलिसी वो अब अपना रही है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कांग्रेस का यही रवैया रहा है, खासकर दलित पिछड़ा और मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने धीरे धीरे करके अंदर से इन सबको बर्बाद कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल किरोली में हुआ क्या था और क्यों वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और क्यों पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो मूक दर्शक बनी हुई थी। आइए देखते हैं। आरिफ किरोड़ी है, उन्होंने लिखा है करौली राजस्थान में मुस्लिमों की गली में रमजान महीने की शुरुआत के दिन वहां हिंदुत्व के गुंडों ने रैली निकाली और भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा के नारे लगाए और डीजे पर गाना बजाया, फिर क्रिया के बदले प्रतिक्रिया हो गई और वही घटित हुआ जो धर्म के ठेकेदार चाहते हैं। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भगवा झंडा फहरा रहे हैं और डीजे पे नाच रहे हैं, जबकि वहां पर मस्जिद भी है और मुसलमान भी रहते हैं। उकसाने के लिए जबरदस्ती जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि कुछ ऐसी घटना घटित हो जिससे 2023 में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा सके और उसके बलबूते पर चुनाव लड़ा जा सके। अब देखिए अगला देखिए, यदि हिंदुओं की गली में दीपावली के दिन आकर कोई ये गाना बजाए या ये नारा लगाए कि भारत में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना सुनने के बाद हिंदुत्व के रक्षक उन मुस्लिम लोगों पर हमला कर देंगे। ठीक यही आज करौली राजस्थान में हुआ तो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये देखिए, दंगे कुछ इस तरह से बढ़ के पहले हिंदुओं ने भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा जैसे गाने उनकी गली में जाकर बजाए, भड़काऊ गाने नारों की वजह से कुछ आवश्यक मुस्लिमों ने पत्थर फेंके, जब पता चला कि रमजान शुरू हुआ है तो भड़काऊ रैली वहां से क्यों निकाली। पूर्व राजस्थान के आदिवासियों, गुजरों, जाटों और दलितों से निवेदन है कि इन संघी गुंडों और मजहब के रक्षकों से दूर रहो। साथ में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूं कि दंगा फैलाने वाले दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि धर्म के लोगों ने उकसाया और दूसरे धर्म के लोग उसके जाल में फंस गए, फिर वही हुआ जिस मकसद से उन लोगों के लिए नारे लगाए गए थे और गाने बजाए गए थे। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं और विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गली में जाकर लोगों को उकसाया गया, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी हुई और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। तो इस तरीके से वहां पर किया गया है। उसी पर देखिए अर्जुन मेहर है, उन्होंने जो राजस्थान के रहने वाले, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, मुस्लिम मोहल्ले में जाकर रमजान के महीने में मस्जिद के आगे यदि ये गाना टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा बजेगा और भड़काव नारे लगेंगे तो जनता फूलों से स्वागत नहीं करेगी, इसीलिए नफरत फैलाने वाले और दंगे के बीच बोने वाले इन लफंगों और मूर्खों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो हमारे राजस्थान में करौली जिले का है जहां हिंदुत्व के रक्षकों द्वारा भड़काव नारे लगाने और गाने चलाने की वजह से दंगे जैसे हालात हो गए हैं।
मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख तक वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई लोगों को चोटें भी आई है और साथ ही में कई दुकानों को 30 से ज्यादा दुकानें जला दी गई हैं। और ये किन की दुकानें थी, किन लोगों ने जलाई, आप साफ साफ समझ सकते हैं। उसी को असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है, लगता है अशोक गहलोत की सरकार ने दंगाइयों और कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। करौली में अगर जुलूस धार्मिक कारण के लिए निकाला जा रहा था तो ऐसे गानों की क्या जरूरत थी। बात साफ है कि कट्टरपंथी संगठनों को प्रशासन की पुश्त पनाही हासिल थी। जब आपको बता है कि रमजान चालू है, दूसरी तरफ इस तरीके के गाने बजाए जा रहे हैं और मुस्लिम मोहल्ले से रैली निकालने की क्या जरूरत थी। प्रशासन को ये हालात देखते हुए पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था, जिससे ये दंगा ना भड़कता। अब आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अहम है, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए। इस ट्वीट से साफ हो जाएगा कि आपके भले के लिए क्या जरूरी है और आपके लिए क्या सही रहेगा। देखिए, अर्जुन मेहर ने ही ट्वीट किया है, पूर्वी राजस्थान में पहला दंगा 2004 में गंगापुर सिटी में उस वक्त हुआ था जब VHP के अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया ने आकर भड़काऊ भाषण दिया था। 2019 में भी VHP ने गंगापुर सिटी में दंगे करवाने की कोशिश की थी लेकिन असफल हुए। इस बार इन दंगाइयों के निशाने पर पूर्वी राजस्थान का करौली है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये दंगाई पूर्वी राजस्थान में ही दंगा क्यों करवाना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आदिवासी, दलित, मीणा, जाट, गुज्जर और मुस्लिम बहुल्य है। इस क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द ऐसा है कि एक ही गांव में और एक ही कस्बे में सब प्रेम से रहते हैं। इसीलिए इन दक्षिणपंथी लोगों को पूर्वी राजस्थान के लोगों की आपसी सामाजिक एकता पच नहीं रही है। कभी यहाँ गुज्जर मीणा करवाया जाता है तो कभी मुस्लिम मीणा, तो कभी मुस्लिम गुज्जर, तो कभी दलित मीणा, तो कभी मुस्लिम हिंदू करवाया जाता है। लेकिन ये दक्षिणपंथी ताकतें पूर्वी राजस्थान के लोगों की एकजुटता को तोड़ने में हमेशा विफल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में सवर्ण हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिमों से सीधा सामना नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ गैर सवर्णों की फौज खड़ी की जा रही है। देश में जब से दक्षिणपंथी ताकतों का वार हुआ है तब से पूर्वी राजस्थान में बजरंग दल, हिंदू सेना, VHP जैसे दलों ने गैर सवर्ण युवाओं को अपने संगठनों में पद देकर आकर्षित किया है। साथ में पूर्वी राजस्थान में गोरक्षा, धर्म रक्षा, श्री राम आदि के नाम पर भी कई संगठन बने हैं। इनमें बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी, जाट, गुज्जर समाजों के युवाओं को शामिल किया गया है। ये छोटे छोटे संगठन अब पूर्वी राजस्थान के हर गांव, कस्बे, शहर में पहुंच चुके हैं। इन संगठनों को चलाने वाले शीर्ष पदाधिकारी दिल्ली, UP, MP और महाराष्ट्र में बैठे उपदेश राणा और दीपक जैसे फर्जी धर्म के ठेकेदार हैं। इन संगठनों में शामिल युवाओं का ब्रेन वॉश व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है और मुस्लिमों के प्रति इनके दिमागों में नफरत भरी जाती है। बस इसी नफरत को मुस्लिमों के प्रति बुनाने की कोशिश पिछले 4-5 साल में तेजी से बढ़ी है लेकिन अब तक उनकी सभी कोशिश असफल रही है। इस बार भी पूर्वी राजस्थान की बहुसंख्यक आबादी दंगों के खिलाफ खड़ी है, ना कि दंगाइयों के समर्थन में। इन दंगाइयों से इतना ही कहना है कि पूर्वी राजस्थान को दंगों में भूमिका बनाना बंद कीजिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है, ना कि नफरत है। हम दलित, आदिवासी, मुस्लिम, गुज्जर और जाट वर्षों से एक साथ एक ही गांव, एक ही कस्बे, एक ही शहर में सामाजिक सौहार्द के साथ रह रहे हैं, इसीलिए इसे बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा मुंह की खाओगे। मोहब्बत जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। अर्जुन मेहर जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने ग्राउंड की रियलिटी ट्वीट करके जानकारी बताई है कि किस तरीके से वहां पर BJP, RSS, बजरंग दल, VHP इस तरीके के जो संगठन है वो कैसे दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मीना, गुज्जर, जाट को, OBC को वर्ग लाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और अपने संगठनों में शामिल करते हैं, फिर मुसलमानों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। यही नतीजा था कि कल जो करौली में हुआ वो हमें देखने को मिला। तो साफ साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी की राजनीति सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ही चल रही है, चाहे कर्नाटक हो, यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह उसका यही फॉर्मूला है कि मुसलमानों को मारो और राज करो। क्योंकि गुजरात मॉडल जहां से निकला था उसके बाद से पूरे भारत में यही संदेश गया कि बीजेपी को अगर जीतना है मुसलमानों को टाइट रखना होगा और उनको जितना प्रताड़ित करेंगे उसका वोट बैंक उतना ज्यादा बढ़ेगा। यही वजह है कि राजस्थान में VHP, बजरंग दल जैसे छोटे छोटे संगठन आज गांव कस्बे में सक्रिय है, जिसका नतीजा आपके सामने है। और जो लोग अपने आप को आंदोलनकारी बताते हैं वो लोग गायब है, जबकि जो RSS, BJP, बजरंग दल है वो अंदर ही अंदर आज घरों में पहुंच चुका है, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो थी किस तरीके से कल राजस्थान के करौली में
दंगा भड़काया जानबूझकर और उसमें पुलिस प्रशासन खामोश रहा और माहौल बिगड़ता रहा। आज खबर आ रही है कि वहां पर 30 से ज्यादा दुकानें जला दी गई है, 35 से ज्यादा लोगों को चोटें आई है और 4 तारीख तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर थी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।